भूत प्रेत आत्माओं के बारे में लोग हमें तमाम किस्से सुनाते हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों पर यकीन करते हैं या नहीं। लेकिन इन सभी में एक बात ऐसी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो ये कि इन बातों का जिक्र हम सिर्फ आज नहीं कर रहे हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हजारों साल पीछे भी हमें भूत प्रेत आत्माओं के किस्से मिलेंगे। अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो वहाँ भी हमें ये सारी बातें मिल जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या हजारों साल से हम सिर्फ कहानियाँ बनाते आ रहे हैं या फिर इन बातों में सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम देख नहीं सकते। और शायद यही वजह है कि हम इन बातों पर यकीन नहीं करते, इन्हें झुठलाते हैं। मैं, रेहान और दीपक, हम तीनों एक ही कॉलेज में थे। हम ज़्यादातर वक्त साथ गुजारते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बस दोस्त थे। हमारे साथ रहने की कई वजह थी, जैसे कि हम एक ही स्कूल से थे, बचपन साथ बीता और हमारे घर भी आसपास हैं, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे से काफ़ी मिलकर रहती हैं। हम तीनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। हालांकि मुझे रेहान और दीपक के घर जाना पसंद नहीं था, तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो दोनों मेरे घर आ जाते थे। और मेरी दादी, वो बातें करने में माहिर हैं, और मेरी दादी को वो दोनों कुछ ज़्यादा ही पसंद थे। मेरे घर पर आने के बाद दीपक और रेहान जितना वक्त मेरे साथ नहीं गुजारते थे, उससे ज़्यादा वक्त वो मेरी दादी के साथ गुजारते थे। वजह सिर्फ ये है कि मेरी दादी की कहानियाँ कमाल की होती हैं, और उनकी एक कहानी ऐसी है जिसे वो बार बार सुनाती रहती थी। और अब मेरी दादी माँ वो कहानी रेहान और दीपक को सुनाती रहती थी। हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है, और मेरी दादी माँ उस जंगल की कहानी हमें बार बार सुनाती रहती थी। दादी माँ का कहना था कि वो जंगल एक भूतिया जंगल है, और उस जंगल में जो भी इंसान जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। वो कहती थी कि वो जंगल बहुत पुराना है, और एक ज़माने में वहाँ एक डायन रहा करती थी। कुछ साल के बाद वहाँ एक अजीब सी बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर मर गए थे, और इसी बीमारी का शिकार वो डायन भी हो गई, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी वो डायन लोगों को जंगल के आसपास दिखाई देती थी। जितने भी लोगों ने उसे देखा था वो कहते थे कि उस डायन की आत्मा आज भी उस जंगल की रखवाली करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जंगल सिर्फ उसका है। तब से लेकर आज तक जो भी इंसान उस जंगल में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। दादी माँ कहती थी कि उस डायन की आत्मा किसी भी इंसान को छू नहीं सकती थी, इसलिए वो उनके साथ तरह तरह की चालें चलती है, खेल खेलती है, और इस खेल में हमेशा इंसान फंस जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम लोग कभी भी उस जंगल के करीब मत जाना। हाय एवरीवन, इसके आगे की कहानी मैंने खबरी पर अपलोड कर दी है, जिसे सुनना हो वो सुन सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हर वेडनेसडे और संडे को मेरी एक नई कहानी खबरी पर आती है, तो तुम वहां जाके मुझे फॉलो कर लो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द से जल्द बना सकूँ। कुछ लोग मुझसे वेंडिगो रिटर्न्स के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, इसके बारे में मैं तुम लोगों से इंस्टाग्राम पर बात कर लूँगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। और तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।